नमस्कार खुरमजरी, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? मैं हिजम राजेन। आएगा तो मोदी आ गए, आप तो भूतो भाई। ओडिशा का मोदी कहे जाने जा रहे थे एक केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के खिलाफ कई मामला दर्ज है, गंभीर मामला। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी उड़ीसा में बजरंग दल के प्रमुख रह चुके हैं। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोप के तहत कई मामला दर्ज हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 30 मई को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की विस्तार और शपथ ग्रहण में उन्हें मंत्रिमंडल में शपथ समारोह में एक उड़ीसा के अपनी झोपड़ी से निकलते हुए कमजोर से देखने वाले और ईमानदार जाने माने वाले 64 वर्षीय एक व्यक्ति की तस्वीर जो मीडिया के मुख्य धारा में और सोशल मीडिया के केंद्रित हो चुकी। ये तस्वीर जो है प्रताप चंद्र सारंगी की है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे आज भी कहीं उनकी मामला जो है अभी भी निलंबित नहीं हुआ। उनके पास आने जाने के लिए निजी वाहन नहीं है, बल्कि उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो साइकिल से प्रयोग करते हैं। उन्होंने बालेश्वर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव से जीता है। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त है। लघु और उद्यम यानी कि जो है MSME की जो विभाग के राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री की दर्जा दिया। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग और यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी उनकी जीवन शैली में इतनी बढ़ा चढ़वा करके उनकी रहन से सादगी और जो सिंपल जो लाइफ जो है, कुछ जो टीवी चैनल जो टीवी पत्रकार टीवी चैनल तो सारे बिके हुए चैनल हैं, ए से लेकर जेड तक। हो सकता है एक आधा जो है किसी प्रिंसिपल की वजह से बचे हुए हो। वैसे तो कोई हमें नजर नहीं आता कि उनके पास कोई टीवी चैनल जो है बचे हुए हो। सोशल मीडिया में और कई ट्वीट जो है उड़ीसा की सादगी देखने वाले या उड़ीसा के मोदी भी कह गया। उनके चुनाव हलफनामा के मुताबिक उनके पास केवल 15,000 रुपए नकद है। उनकी चल संपत्ति 1,50,000 रुपए और अचल संपत्ति कुल 15 लाख रुपए की है, जबकि 2019 की लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी के औसत संपत्ति जो है लगभग 4 करोड़ रुपए थी। सारंगी के हलफनामे से यह भी पता चला कि उनके खिलाफ 7 आपराधिक मामले लंबित है। उनके खिलाफ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूह को बीच घृणा पैदा करना और जबरन वसूली के आरोप दर्ज है। इनसे अधिकांश मामले उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन से बनी सरकार के दौरान दर्ज किए गए। मार्च 2002 की एक घटना में जब सारंगी RSS से जुड़े उग्र हिंदू संगठन बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्हें ओडिशा पुलिस ने दंगा, आगजनी मामले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिस सरकारी संपत्ति पर हमला किया गया वो उड़ीसा विधानसभा का भवन है। आरोप आप ये बताइए, जो
मंत्री जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जो जिस भवन पे बैठते हैं, उस भवन की जो है उन्होंने आगजनी और उस भवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भाइयों बहनों, कहना एक क्या कहें, ये बड़ी विडंबना है हमारे लिए। एक तो हम भोपालियों को सलाम देना चाहिए, सलामी देना चाहिए, भोपाल के लोगों को सलाम देना चाहिए, नमस्कार, हम दंडवत मस्तक जो हमारा जो है, एक बॉम्ब ब्लास्ट की एक्यूज्ड अपराधी, उनको भाजपा की तरफ से भारी मतों से बहुमत प्राप्त करवा करके संसद में भेजा, जो संसद जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक मंदिर कहा जाता है, ये द टेंपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी, उग्रवादी, दहशतगर, हमने द टेररिस्ट जो हमने एमपी बना करके हमने संसद के अंदर भेजा। ये जो सारंगी जो है 1999 में विश्व हिंदू परिषद की एक ब्रांच है बजरंग दल, और ये दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल, ये दोनों इन्होंने मिल करके 500 लोगों की जो है जमावड़ा जो है जुट एकजुट होकर के विधानसभा में हमला किया गया। किसकी वजह से, मतलब राम मंदिर जो है, राम मंदिर जो विवादित जो भूमि जो है उनके उनकी हवाले करो और हम राम मंदिर बनाएंगे, ये ठीक है। और इससे भी जघन्य अपराध, 1999 में ग्रैम स्टैन ऑस्ट्रेलिया के एक मिशनरी एक डॉक्टर थे उड़ीसा की, जो जिस जगह पर जो इंसान भी पहुंचने में जब तकलीफ से जो पहुंचते हैं उस जगह पर, उड़ीसा एक उड़ीसा झारखंड ये जो जगह जो है कुष्ठ बीमारी, टीबी, उसके बाद जो है कई विभिन्न बीमारियों की से ग्रस्त है, उस जगह पर ना हिंदू संगठन पहुंचे, हिंदू संगठन मात्र इसलिए पहुंचता कि भाई जय श्री राम बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो, इसकी वजह से पहुंचता, और किसी के बीमारी या किसी जो हेल्पलेस पर्सन जो है उनको मदद करने के लिए कभी नहीं पहुंचा। मींस द पर्सन हु नीड हेल्प, उनको जो हेल्पलेस जो थे उनको हेल्प के लिए कभी नहीं पहुंचे। लेकिन उड़ीसा जो ऑस्ट्रेलिया से जो एक 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 आदमी ने, जैसे मदर तेरेसा जो है कलकत्ता में जो है लोगों को सेवा किया करते थे, उस तरीके के जो है ग्राम स्टैन जो है अपने परिवार के साथ जो है झारखंड ये उड़ीसा के जो आदिवासी जो ट्राइबल एरिया में जो है ये ट्राइबल लोगों को कुष्ठ बीमारी लोगों को, ये ग्राम स्टैन जो है खुद डॉक्टर थे तो उनको सेवा कर रहे थे। तो ये जो हिंदू संगठन जो जो क्या बोलते हैं जो उग्र जो टेररिस्ट टाइप के जो हिंदू संगठन जो थे, इन्होंने जाकर के उनको उनके दो बच्चों के साथ जो है उनको एक बेरहमी से जो है उनको गाड़ी के अंदर उनको जला के मार डाला। अब अपने अब तो उनको किसी को मदद नहीं कर सकते, जो मदद कर रहे थे उनको अपने अब लोगों ने मिल करके उनको आग जला करके मार डाला, उनके परिवार को खत्म कर दिया गया। 1999 में ग्राम स्टैन और उनके दो बेटे, एक तो 11 साल के बच्चे थे, एक 7 साल के बच्चे थे, उनको एक वैगन के अंदर जो गाड़ी जो मिशनरी गाड़ी जो हम देखते थे पुराने जमाने में जो ब्रिटिश की अंग्रेजों की जो जीप होते थे उस टाइप की थे, उसके अंदर जो है सफेद रंग की जो गाड़ी थे उनको उनमें लोगों की भीड़ जुटा करके उन्होंने एक समूह के साथ मिलकर के ग्राम स्टैन और उनके बच्चों को मार डाला। विडंबना यह है कि कोर्ट ने उनको पर्याप्त सबूत ना मिलने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। बीजेपी सरकार ने बीजेपी ने किस हसीय से, जिसके पास 15,000 रुपए जो संपत्ति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, 1-2 लाख की, उनको किस हसीयत से उनको उनको टिकट दे करके उनको जितवाया, तो ये शक नहीं होता कि उन उस कार्य के लिए उनको इनाम दिया गया।
क्या विडंबना है, हमारा देश किस तरफ जो है देश लेकर के जा रहा है। जब उनको किसी तर्क में अगर कोई दिक्कत होता, कोई समझ में नहीं आता, तो अपनी संस्कृति संस्कृत भाषा शुरू कर देते हैं, तामझाम जो कबीर के दोहा शुरू कर देते हैं। एक तो क्या नाम है जो संदीप पात्रा जी, मैं उनके बारे में तो बहुत ज्यादा बोलना आवश्यक नहीं समझता। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे, उनके बारे में तो बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो उनकी तरह जो है हिंदूवादी जो संगठन जो बीजेपी की जो है कई तर्क लेकर के आते हैं, भाई अभी भी क्या हिंदू खतरे में है क्या भाई, अभी भी हिंदू खतरे में है तो बताओ। अब चिल्लाते हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, अरे 133 करोड़ आबादी के अंदर देर कम से कम 120 करोड़ तो आप अब हिंदू हिंदू आबादी हो, मात्र 20 करोड़ मुसलमान के बीच में आप बोलते कि आप हिंदू खतरे में। अब क्या कहना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर इस तरीके से गिरा दिया गया आप लोगों ने। अब किसी को जबरदस्ती हिंदी थोपना, किसी को मतलब कोई कोई नेचर ही नहीं है, मतलब किसी चीज की जो कोई सिस्टेमेटिक चीजों को जो अब शिक्षा में आपने क्या कर दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो जाने माने जो यूनिवर्सिटी जो थे आपने उसको अटैक कर दिया, आपने आरएसएस के बंदे को घुसर दिया। अब जेएनयू जैसे जो इंस्टीट्यूट है आपने अपने हाथ में कब्जे कर ली, अब सीबीआई अपने हाथ में कब्जे कर लिया। अब ये बताइए कि जो सीबीआई की जो चीफ जो है, सीबीआई की जो हेड जो है, आप रस्ते में लड़े मैं असली सीबीआई वो नकली सीबीआई, ये किसकी वजह से, आप लोगों की वजह से। हमने वोट दिए सोच समझ करके, वोट नहीं डाला फिर भी बोलते आएगा तो मोदी, मोदी आ गया भूख तो ना भाई। अभी अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे, चाकू बंटवा रहे, चाकू आगरा के एक स्कूल में वीर सावर विनय दामोदर वीर सावरकर के जन्म दिवस पर हिंदू महासभा के लोगों ने चाकू बांटा भाई, दसवीं और बारहवीं की छात्रों को छात्रा छात्राएं को चाकू बांटा है। अशोक पांडे जी है बजरंग दल की, इनके जो प्रमुख है, अब बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाइफ इज मेकिंग क्या बोलते हैं हिंदू सोल्जर, और जो राजनीति के लिए हिंदूकरण आवश्यक है। अब देश को कहां लेकर के जाना चाहता है, आप अपनी बच्चों को ये सिखाते हैं क्या, लोगों को बेवकूफ बनाकर आपने अपने बच्चे तो अमेरिका और जो क्या नाम है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप दूसरे के बच्चों को जो चाकू बांट करके आप अपनी राजनीतिक हथियार के इस्तेमाल करना चाहते। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल क्या करवा दिया, अब टीचर नहीं है, टीचर की जगह पर मोबाइल ऐप से पढ़ाई करवाओगे बच्चों को। अब इंडस्ट्री का हाल क्या है, अब छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, माइक्रो इंडस्ट्री जो है, आपने खत्म करवा दी जीएसटी की वजह से। अब बचा क्या है, पिछले 5 साल की जो सबसे नीचे जो निचले स्तर पर जो है जीडीपी, सबसे निचले स्तर पर है जीडीपी। एनएसओ की जो है रिपोर्ट के मुताबिक जो है बताया गया है कि पिछले 45 साल में जो हमारे जो बेरोजगार जो है सबसे ज्यादा बेरोजगार, द रिकॉर्ड इन दिस 45 इयर्स द लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, अपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब जय श्री राम और जो आपकी जय हिंद क्या बोलते हैं इसको, अब गर्दन में जो है भगवा कपड़े पटका लटका करके पेट में दाना नहीं होंगे, आपकी आपके पेट में दाना नहीं होंगे, जय श्री राम चिल्ला करके आप देश में एक 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 उग्र तरीके का आप माहौल पैदा करना करवाना चाहते हैं। अब गुजरात की जो है, अब गुजरात का
गुजरात का जो जो मॉडल जो है अब दिल्ली में भी थोपना चाह रहे हैं। 2002 के 1992 की जो बाबरी मस्जिद वाला जो फिर अब उसी उसी माहौल में ले जाना चाह रहे हैं। आपकी आरएसएस की लोग जो है, आपकी आपकी जो रणनीति जो है, आपने फौज के जनरल तक, आपने हर डिपार्टमेंट, आपने आईएएस की लोबी पर आपने घुसेर दी, आपने जो एजुकेशन पे आपने पूरे कब्जा कर दिए। आप देश को क्या किस तरफ लेकर के जा रहा है, क्या पिछले जो 16वीं सदी में लेकर के जा रहा है, आप आरती से और जो क्या नाम है आपकी गाय गौमूत्र से आप लोगों को कैंसर ठीक करवाने के चक्कर उस दिशा पे लेकर के जा रहा है। अब बंद करवा दीजिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, आईआईटी बंद करवा दीजिए, आईआईएम बंद करवा दीजिए, क्या जरूरत है, क्या नाटकबाजी है ये। जब आपने फिक्स करना है ये जो ईवीएम की जो मामला जो है, 13 तारीख को जो है एक संगठन, बहुत सारे संगठन जो है दिल्ली के जंतर मंतर में जो ईवीएम के खिलाफ जो है अब प्रदर्शन करने जा रहे हो। 8 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, द पीपल द यूनिवर्सिटी कैंपस, द टीचर एसोसिएशन इज एजिटेटिंग अगेंस्ट द ईवीएम। उसकी वजह ये है कि आपने ईवीएम में धांधली किया हुआ है, आपने हर जगह आपकी आरएसएस के लोग हर जगह जो है, अब ये देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपने डेमोक्रेसी को तोड़ करके एक एक एक, एक बेनाना, पता नहीं बेनाना रिपब्लिक बना दिया। हर जगह देखो आपकी नेतागिरी, हर जगह देखो भगवाधारी, हर जगह देखो जो गुंडागर्दी। अब पेट में दाना नहीं है तो फिर अब गुंडागर्दी तो करेगा ना, जैसे आपने बीज बोया वैसे ही ऐसे ही उग रहा है। दिल्ली की रिंग रोड में चलने की जगह नहीं हो रहे हैं, गायों की संख्या इतनी बढ़ गए हैं, हमें डर लगता है उस गाय को छूने में, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई ये तो गाय गौ मांस खा रहे हैं और गाय गाय के ऊपर अब हमला कर रहे हैं, इसको मारो, गौ गौ जो मोब लिंचिंग के डर लगते हैं हमें, गाड़ी चलाने में डर लग रहा है। बात यह है कि अगर हमें डेमोक्रेसी को मेंटेन करना होगा तो हमारा मोदी साहब को और हमारे सरकार को आवश्यक है कि आप देखें ठीक से। हम किसी खिलाफ, किसी सरकार के, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश चले तो साइंटिफिक तरीके से। अभी 16वीं सदी में आप मंत्र जंतर और गौमूत्र से आप किस तरीके से आप देश चलेगा बताइए। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस को बंद कराएं, आईआईएम बंद करवाएं, या आप हम हमारे जो कहीं कहीं जो आकाश इंस्टीट्यूट, कहीं जो इंस्टीट्यूट है जो आईएएस बनाने के आप इंस्टीट्यूट लोगों ने ठेका ले रखे हैं, इनको इनको बंद करवा दीजिए। हवन उबन से जो है आईएएस बन जाएगा, हवन उबन से डॉक्टर बन जाएगा, हवन से बीमारियां ठीक हो जाएगा। जो प्राइवेट जो ट्यूशन सेंटर जो है बंद करवा दें, हवन केंद्र खुलाएं, मंदिरों में पढ़ाएं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी को मेंटेन करें। डेमोक्रेसी बहुत अच्छे एक लोगों को बोलने का हक देते हैं, आजादी देते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब भी ये नहीं कि हद पार करें, हम ये भी हम बताते हैं। लेकिन संसद के अंदर जो दागी लोग जो पहुंचे हैं, जो आपराधिक मामले में जो मामला दर्ज है कोर्ट के तहत, मामला अधीन है, हमारा माननीय जो सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, और हमारे भविष्य तय करेगा वो लोग। अब आपराधिक संगीन आपराधिक मामला में जो मामला दर्ज है वो हमारे देश के नागरिक, उनको माननीय सांसद, माननीय श्रीमान ये कहलाएगा, जो हत्यारे लुटेरे जो गैंगरेप में जो शामिल है, जो बीएसपी का एक 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 एमपी आया हुआ है, जो पुलिस उनको ढूंढ रहे थे, पुलिस और प्रशासन की मिलीजुली से उन्होंने डीएम ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में आकर के अपने पर्चा दाखिल किया। ये बीएसपी का जो बहुजन समाज पार्टी का जो एक सांसद, अभी माननीय सांसद कहला जाएगा, उनको भारी मतों से उनको जिताया गया।
अब जो बहन जी जो है, जो बीएसपी का जो बहन जी, जो माननीय बहन जी जो है, ये अपने आप को कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं। अब कहां मान रहे हो, आपने तो रेपिस्ट को भेजा है संसद के अंदर, जो बलात्कारी गुंडा मवाली आपने उनको संसद के अंदर भेजा है। तो आपने आपकी किस आप क्यों मजाक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं? आप दलित दलित बोल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? ये विडंबना है देश की। नागरिक हम लोगों की एक प्राथमिक ड्यूटी है कि इस चीज को समझना, सही आदमी को चुन करके हमें संसद के अंदर भेजना, सही आदमी को जो हम इलेक्ट करना, ये हमारा एक प्रथम कर्तव्य था, लेकिन हमने वो निभाया नहीं है। हम उम्मीद करते हैं मोदी साहब से, मोदी सरकार से आने वाला जो 5 साल जो है अपनी वादा निभाए, 5 करोड़ जो 2 करोड़ जो युवाएं जो है, ये मेरे सिर्फ मेरे अब पर्सनल बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा जो निजी बात नहीं है। आप देखो कितनी जो युवाएं युवतियां जो है आप बेरोजगार घूम रहे, बेरोजगार होगा तो अवश्य जो है देश में दंगा फसाद चोरी चकाटी जो दकाटी जो है चेन छीना आपराधिक मामला जो कहीं बढ़ेगा। अगर किसी काम में किसी कार्य पे किसी दफ्तर पे वो एंगेज रहेंगे, किसी काम पे जो एंगेज होंगे, तो वो आपराधिक रास्ता आपराधिक तरीके अपनाने में अपने ध्यान नहीं रहेगा, एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेगा। एनएसएसओ की जो रिपोर्ट जो है 45 साल की जो सबसे ज्यादा जो बेरोजगार की जो संख्या जो है, हमारे मोदी साहब जरूर इसको बच्चों को और युवतियों को जो है जरूर जो है अपनी वेलफेयर स्टेट के लिए बात करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और जो हमारे जो शिक्षा संस्थान है और जो स्वास्थ्य संस्थान है, इसको दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। शिक्षा ही एक देश की भविष्य है, हमारे जो बच्चे जो है देश के भविष्य। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 20-25 लाख लोगों की बच्चों की जो है एडमिशन की दाखिलात की जो है एप्लीकेशन मामला आया हुआ, लेकिन सीट इतना है ही नहीं, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पर। दूसरा चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हालत जो है आज एक सब जानते हैं, जो दिल्ली में जो रहते हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट है, जो जो ट्यूशन जो पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, उनको सबको मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत क्या है, जेएनयू की हालत क्या है, और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हालत क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हालत क्या है, विश्व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हालत क्या है, ये सारे चीज़ें जो है हमारे जो होने वाला जो जो हमारे जो प्रभार प्रभारी जो नहीं जो जो कार्य जो संभाल चुका है, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री जो है ध्यान दे, देश के भविष्य के लिए सारे चीजें जो हमारे मोदी साहब कहते मोदी साहब के एक चीज पर बड़ी हमें अच्छा लगा, जो जो बोला जो पीछे पीछे जो हुआ है उसको भूल जाओ, आगे जो है प्रगति की तरफ चलो, ये हमें बहुत अच्छा लगा। हम देखते हैं अंतरिक्ष की तरफ, हम चांद की तरफ, हम मंगल ग्रह की तरफ हम कदम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अभी भी मंडल कमंडल और जो घंटा हिला करके जो अपनी शिक्षा प्राप्त करवाने के जो कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है देश के लिए। देश में विज्ञान की बड़ी आवश्यक है, विज्ञान की ऐसे के तैसे करवा दी, तो ये सारी चीजें जो है दुरुस्त करने की आवश्यक है। बाकी मैं आज के लिए अपनी जबान को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। और हम उम्मीद करते हैं हमारा देशवासी भी सब ठीक रहेंगे, ठीक है और ठीक। अभी गर्मी का मौसम है, लू चलने के समय हो गए उत्तर भारत में, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।